हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दिव्यम और आप देख रहे हैं वाहू चैनल। जैसा कि आपने टाइटल में ऑलरेडी पढ़ा, ये BS4 और BS6 में क्या फ़र्क है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मेरे को लगा कि काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो आपसे डिस्कस करने चाहिए, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा बन गया और अब मैंने सोचा मैं इसको पार्ट बाय पार्ट करके रिलीज़ करूँगा। तो पहले पार्ट में हम देखेंगे कि एमिशन नॉर्म्स क्या हैं, कैसे बनते हैं, क्यों ज़रूरी हैं। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि BS4 से BS6 जाने के लिए कंपनीज ने क्या क्या चेंजेस को अडॉप्ट किया है और क्या क्या आपके पास नए प्रोडक्ट्स निकल के आए हैं। और थर्ड पार्ट में हम मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस को देखेंगे और प्लस ये भी देखेंगे कि BS6 आने से क्या प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो गई है या अभी भी कुछ कुछ चेंजेस करने बाकी हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने सारे ही वीडियोज़ में चैप्टर वाइज टाइम स्टैम्प प्रोवाइड किए हुए हैं, तो अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आप ऑलरेडी जानते हैं तो आप उसको स्किप करना चाहते हैं या वीडियो को अपने कन्वीनियंस पे देखना चाहते हैं तो वो अब पॉसिबल है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जानते हैं एमिशंस क्या हैं। तो एमिशंस की अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाऊं तो कुछ भी आउटर एनवायरमेंट में रिलीज होना एमिशंस कहलाता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी जो है वो स्वेट रिलीज करती है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, म्यूजिक सिस्टम साउंड प्रोड्यूस करता है, ये सब कुछ एमिशन के बेसिक एग्जांपल हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हीकल्स या गाड़ियों से निकलने वाले एमिशंस के बारे में। तो अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से बताऊं तो इंजन जो है वो आगे काम करता है पेट्रोल डीजल या CNG पे और अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब जो लोग केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि इन रिएक्शंस के बाद प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं। इन्हीं प्रोडक्ट्स को हम कार की टर्मिनोलॉजी में एमिशंस का नाम दे देते हैं। अब इन एमिशंस में कुछ हार्मफुल गैसेस हैं, कुछ नॉट सो हार्मफुल भी, लेकिन हमारा कंसर्न है हार्मफुल गैसेस से, क्योंकि सड़कों पे एक गाड़ी तो चल नहीं रही है, लाखों गाड़ियां इकट्ठी चल रही हैं और जब ये मिलके एमिशन प्रोड्यूस करेंगी तो इतना ज्यादा एमिशन हो जाएगा कि उसको हम एयर पॉल्यूशन में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली ऐड कर रहे हैं। तो यहीं पर जरूरत पड़ती है एमिशन कंट्रोलिंग नॉर्म्स की। तो नॉर्म्स और कुछ नहीं बल्कि रूल्स हैं, गवर्नमेंट की लिखी हुई कुछ ऐसी बातें जो हर ऑटोमोबाइल कंपनी को माननी ही पड़ेंगी। तो इनमें और कुछ नहीं बल्कि ये मेंशन किया गया कि एक पर्टिकुलर गाड़ी 1 किलोमीटर के अंदर अंदर कितना एमिशन कर सकती है, मतलब उसको कितना अलाउड है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकती है। अब इंडिया में जो एमिशन नॉर्म्स हैं वो कुछ ऐसे हैं, BS1, BS2, BS3, BS का मतलब है भारत स्टेज। तो अगर इसको समझना है तो पहले आईफोन के एग्जांपल से देखते हैं। जैसे आप देखते हैं 2007 में iPhone 1 आया था, उसके बाद iPhone 2, 3, 4 और अब 11 आ रहा है। तो जैसे ऐसे नया आईफोन लॉन्च होता है तो जनरेशन वाइज कुछ कुछ अपडेट किए जाते हैं, बेटर किया जाता है फोन को। ऐसे ही एमिशन नॉर्म्स भी जैसे ऐसे कुछ सालों बाद रिवाइज होते हैं तो उनमें ये लिखा जाता है कि अब ये गाड़ी और भी कम एमिशन कर सकती है, इसको और कम एमिशन करना अलाउड है। तो ऐसे ही हमने रेफरेंस कहां से ली, भारत नॉर्म्स जब भी बनते हैं तो उनको यूरो नॉर्म्स की रेफरेंस लेके डिजाइन किया जाता है। अब यूरो नॉर्म्स क्यों, क्योंकि यूरो नॉर्म्स एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिनको ऑलरेडी काफी सारी अलग अलग कंट्रीज जो है वो रेफर करती हैं, इसलिए इंडिया भी करता है क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो यूरो नॉर्म्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आ चुके हैं, लेकिन BS नॉर्म्स जो है वो BS 1, 2, 3, 4, 5 नहीं आया, डायरेक्टली 6 आया। हम BS 4 के डायरेक्टली BS 6 की बात करते हैं। ऐसा क्यों, इसको जानने से पहले आप ये जानिए कि इंडिया में जब भारत नॉर्म्स की इम्प्लीमेंटेशन होती है तो वो 2 डिपार्टमेंट्स मिलके करते हैं। पहला तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट एंड सेकंड इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये दोनों मिलके डिसाइड करेंगे कि कब कौन से नॉर्म्स जो है वो लागू करने हैं। लेकिन अगर आप टेबल में देखेंगे, यूरो नॉर्म सबसे पहली बार आए थे 1993 में, लेकिन BS नॉर्म सबसे पहली बार जो आए वो इंडिया 2000 का नाम आया और 2000 में ही इम्प्लीमेंटेशन हुई थी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हम भी रिवाइज कर रहे हैं और वो हमसे भी पहले रिवाइज कर रहे हैं, तो इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन ही लेट हो रही है। अब इसकी 2 वजह, एक तो सरकार इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा लेट कर देती है और अगर सरकार चाहे जल्दी भी करना तो कंपनीज तैयार ही नहीं होती टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स के साथ कि वो नए प्रोडक्ट को ला सकें और कम एमिशन प्रोड्यूस करें, तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन लेट होता है। लेकिन एक चीज हमने नोटिस की है कि मेट्रो सिटीज जो हैं वहां पे नंबर ऑफ कार्स भी ज्यादा हैं तो पॉल्यूशन भी ज्यादा है, वहां पे इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा पहले करा दिया जाता है और 2-3 साल का एक्सटेंशन दे के बाकी सारे नेशन वाइड में सेम एमिशन नॉर्म्स लागू हो जाते हैं। अब पहले इम्प्लीमेंटेशन को समझिए।
जब भी नया नॉर्म लागू होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल BS6 की बात करें, तो अप्रैल 2020 से जब ये इम्प्लीमेंट हुआ, तो नई गाड़ियां जो है वो BS6 होनी चाहिए। जो ऑलरेडी इतनी सारी गाड़ियां सड़कों पे चल रही हैं, वो चाहे BS4 हो BS3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तब तक चल सकती है जब तक उनकी RC वैलिड है, उनकी इंश्योरेंस होने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप नई गाड़ी लेने जा रहे हैं, वो अब BS4 नहीं बिकेगी, वो BS6 ही होनी चाहिए। ये है इम्प्लीमेंटेशन का मतलब। अब हमारा क्वेश्चन था कि BS4 के बाद डायरेक्टली BS6 क्यों, BS5 बीच में कट क्यों हो गया। तो अगर आप गूगल करके देखेंगे ना कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज कौन सी हैं, तो पहली 100 में से लगभग 25 सिटीज तो आपको इंडिया की मिलेंगी। तो इंडिया में पॉल्यूशन इस कदर बढ़ा हुआ है, तो इसको ध्यान में रखते हुए, प्लस जो मैंने आपको यूरो और BS का कंपैरिजन दिखाया था कि इम्प्लीमेंटेशन लेट होती है, तो आज के टाइम पे अगर हम BS5 को इम्प्लीमेंट करते यूरो 5 के कंपैरिजन में, तो वो 9 साल लेट हो जाता। और ऑलरेडी जब यूरो 6 आ गया, बेटर टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इट इज वाइज कि हम BS6 को ही लॉन्च करें US6 के कंपैरिजन में। तो अभी भी हम 5 साल पीछे हैं, बट स्टिल हम नई टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, तो ठीक है। बट इम्प्लीमेंटेशन कौन सा आसान है, क्योंकि कंपनीज अब जो भी करेंगी BS4 से BS6 आने के लिए, इतने ज्यादा टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स होंगे, बल्कि फ्यूल भी जो है वो भी अब BS6 में अपडेट करना पड़ेगा। तो ये जो जितने भी सारे एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी ना इस सब को करने की, वो सारी कॉस्ट अल्टीमेटली एक्स शोरूम प्राइस में ही ऐड करेगी, क्योंकि गाड़ी आप लेने जाएंगे तो जो टेक्नोलॉजी ऐड हुई है उसके पैसे तो आप ही को देने हैं। और ये देखा गया है कि ये जो प्राइस है वो पेट्रोल में कम और डीजल में ज्यादा बढ़ी है। इसकी वजह सिंपल सी है कि डीजल वैसे ही ओवरऑल पॉल्यूशन थोड़ा ज्यादा करता है पेट्रोल से, प्लस सरकार ने BS6 में डीजल की एमिशंस को सडनली काफी कम कर दिया। तो ये दोनों फैक्टर्स मिलके डीजल में BS6 को इम्प्लीमेंट कराना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अब बारी है मेन टॉपिक की कि BS4 और BS6 में क्या फर्क है। तो अगर आप किसी भी नॉर्म को उठा के देखेंगे, तो वैसे तो बहुत सारे एमिशंस होते हैं, लेकिन जो मेजरली एमिशंस होते हैं वो 4 ही होते हैं। पहला हाइड्रोकार्बन, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स एमिशंस और पार्टिकुलेट मैटर। इनकी लिमिट सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऐड करते हैं टॉक्सिक गैसेस में और ग्रीन हाउस गैसेस में। टॉक्सिक गैसेस वो जो हमारे को सांस लेने में दिक्कत करेंगी, एनवायरमेंट को खराब करेंगी, और ग्रीन हाउस गैसेस वो जो ग्लोबल वार्मिंग में ऐड करेंगी। तो ये दोनों ही काफी कंसिडरेबल गैसेस बन जाती हैं, और इनको हमें देखना पड़ेगा कि इनका एमिशन लेवल कितना कम हुआ है। तो अगर हम BS6 और BS4 के कंपैरिजन में देखें, एक नॉक्स एमिशन को लेकर देखते हैं, तो जहां पे नॉक्स की BS4 में 250 लिमिट थी, वो कम होके BS6 में 80 आ गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर बारी जब एमिशन नॉर्म डेवलप होते हैं तो लिमिट्स को और कम कर दिया जाता है, मतलब गाड़ी अब और कम एमिशन कर सकती है, तो नॉक्स लिमिट को कम किया गया। और ये जो मैंने आपको लिमिट बताई, ये डीजल की बताई, पेट्रोल की लिमिट्स अलग निकल के आती हैं और डीजल की अलग। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप अलग अलग देखेंगे तो पेट्रोल को कम टेम्परेचर्स पे बर्न किया जाता है और डीजल को हाई टेम्परेचर्स पे सिलेंडर के अंदर कम्बशन कराया जाता है। तो इस वजह से हाई टेम्परेचर्स पे स्पेशली नॉक्स एमिशन ज्यादा निकल के आते हैं, और डीजल के कुछ अलग पॉल्यूटेंट्स हैं और पेट्रोल के अलग हैं, इसीलिए दोनों के लिए आपको अलग अलग लिमिट निकालनी पड़ती है। एंड अगेन BS6 में डीजल को पेट्रोल के बराबर लाने की कोशिश की गई है, और इससे सरकार का सीधा सीधा आपको इशारा है कि या तो आप डीजल इंजन को प्रेफर ही मत कीजिए, और अगर कर रहे हैं तो वो फिर इतनी कम एमिशंस करें कि जितना एक पेट्रोल कर रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए काफी कंपनीज ने तो ऑलरेडी डीजल को बनाना ही बंद कर दिया। अगर मैं मारुति सुजुकी की बात करूं, तो वो कंपनी मतलब 50% से भी ज्यादा परसेंट होल्ड करती है पैसेंजर मार्केट में, और उन्होंने डीजल इंजन को सडनली बनाना ही बंद कर दिया, क्योंकि उनके चेयरमैन कहते हैं, उन्होंने 2019 में शायद एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर हम डीजल इंजन को बना भी देते हैं BS6 के लायक, तो हमारे पास तो ठीक है टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसको बनाने में जो कॉस्ट आएगी वो कस्टमर देना नहीं चाहेगा, क्योंकि एंट्री लेवल कार्स 3 लाख 5 लाख तक की होती हैं, उसका अगर प्राइस 1 लाख के आसपास बढ़ जाए तो कस्टमर शायद लेना ही नहीं चाहेगा। तो बहुत सारी कंपनीज ने बनाना बंद कर दिया, इवन फोक्सवैगन होगी, स्कोडा होगी, इन सब ने भी बनाना बंद कर दिया। लेकिन दूसरी साइड टोयोटा जैसी कंपनी, होंडा, ह्यूंडई, ये कहती है कि हम अभी भी डीजल देंगे। तो कुछ लोगों ने बिल्कुल नई पावर ट्रेन्स और इंजन को जो है इन्वेंट किया, और फिर वहां पे उन्होंने BS6 को लागू किया, और अब वो बेच रहे हैं। और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जैसे महिंद्रा का एग्जांपल लें, वो सेम इंजन में चेंजेस करके उनको BS6 के लायक कर रही हैं। तो अलग अलग कंपनीज अपने अलग अलग पैंतरे अपना रही हैं।
लेकिन आपको फिर भी वो वैसी परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी देने की कोशिश कर रही है। अनदर थिंग, कुछ कंपनीज क्या कर रही है कि डीजल जहां खत्म हो रहा है, तो डीजल का मजा था कि उसमें टॉर्क ज्यादा था, पुलिंग पावर ज्यादा थी, तो वो मजा अगर पेट्रोल में देना है तो पेट्रोल में टर्बो चार्जर लगाना शुरू कर दिया। अब उससे जो है उसकी पावर जो है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होती है, टॉर्क फिगर्स में ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, बट स्टिल आपको डीजल का थोड़ा बहुत फ्लेवर देखने को मिल जाता है उसमें। तो अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके से आपको खुश करने की कोशिश कर रही है। सो गाइज, इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो को रैप अप करना चाहूंगा। पार्ट वन में मैंने जो कुछ भी डिस्कस करना था वो ऑलमोस्ट कर ही लिया। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन है या फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करते जाइए, और मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी इसके पार्ट टू में। टिल देन, बाय।